अस्सलाम वालेकुम, अर्बन विलेज पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। आज हम निकले हुए थे वॉक पे, फिर फालूदा आइसक्रीम भी खाई, फिर हम लोग यहाँ पार्क में आ गए वॉक करना था। पॉपकॉर्न खा रही हूँ मैं बैठे हुए, ज़रा इंजॉय कर लूँ, कुछ बातें आपसे करनी थी। अभी आप लोग हम लोगों का व्लॉग देख रहे हैं कराची टू हैदराबाद, तो पार्ट वन आपने देखा होगा, आपने इंजॉय किया होगा खूब। उसमें मोटरवे की पूरी मालूमात मौजूद है और मौसम को इंजॉय करते हुए, पूरे रास्ते को इंजॉय करते हुए हम पहुँचे हैदराबाद। अब हमारे वहाँ से सेकंड जो डिस्टिनेशन था हमारा, वो था बॉम्बे बेकरी, जो कि हैदराबाद की बहुत मशहूर, बहुत पुरानी, पाकिस्तान बनने से पहले की बेकरी है। ख़ास रेसिपी है उनकी, सिग्नेचर्स केक है, केक के अलावा और कुछ नहीं है उधर। और बहुत डिफरेंट, दुकान भी नहीं है, आप कहेंगे एक बैंगलो है जो कि उसके अंदर है, कैंट हैदराबाद कैंट में बैंगलो के अंदर ये दुकान है। और ये 8 बजे खुल जाती है और 8 बजे के साथ ही फौरन बिक जाती है। जब हम पहुँचे तो तकरीबन एंड पे थी, और हमारे लिए उन्होंने ख़ास तौर पे तीनों फ्लेवर, जो उनका कॉफ़ी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर और फ्रूट केक बहुत मशहूर है, जो कि हमें मिल गया। हम बड़े खुश हुए लकी कि हमें लकीली मिल गया। फिर हम वहाँ से केक वगैरह हमने लिया, और फिर हमारा दूसरा डेस्टिनेशन जो था वो हम पहुँचे हाजी रबड़ी की तरफ। तो हम जब कैंट से निकले हैं तो फिर हैदराबाद की तारीखी सड़कें और बहुत ज़्यादा लोगों का जो हजूम था, और बेहतरीन हमें व्यू मिला हैदराबाद की सड़कों का। और हम फिर वहाँ से होते होते, वहाँ पर एक किला है, उसकी अब सिर्फ इमारत ही बाकी रहेगी हल्की फुल्की, उधर से होते हुए हम हाजी रबड़ी तक पहुँचे। वहाँ उस मार्केट में हाजी रबड़ी की बहुत सारी दुकानें, हम हाजी रबड़ी की तलाश में हैदराबाद की तारीखी सड़कों से घूमते घुमाते और फिर हाजी रबड़ी तक पहुँचे। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ हाजी रबड़ी है, लेकिन जो ऑथेंटिक दुकान है वो आप वीडियो में देखिएगा, ख़ास दुकान है जहाँ पर दो किस्म की रबड़ी मिलती है। और हमने उधर रबड़ी परचेज की और माशाल्लाह बहुत खाया, टेस्ट भी वहीं गया, बहुत अच्छा था। फिर हम वहाँ से निकले, आपको इन दो पार्ट में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, हाजी रबड़ी है, बॉम्बे बेकरी। फिर नेक्स्ट जो हमारा टारगेट था जाने का, वो था टॉम। वहाँ दो टॉम हैं जो मशहूर हैं, मकबरे हैं, बहुत ही कदीमी है, तो पुराने बादशाह गुजरे हैं उनका है, तो वो आप ज़रूर विज़िट करें, देखें। और ये तारीखी विरासत है हमारे पाकिस्तान की, हमारे हैदराबाद की। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ की आप देखिएगा। लास्ट में हमारी डेस्टिनेशन जो थी वो थी जामशोरो कोटरी बैराज, और मौसम इंतहा ही हसीन था, हल्की हल्की फुहार और बारिश हो रही थी, और हम वहाँ पर चलते टलते गाड़ी में सफ़र करते हुए, इंजॉय करते हुए हम पहुँचे कोटरी में। और कोटरी में तो इतना मज़ा आया कि आपको क्या बताएं। कोटरी में बारिश हो रही थी, दरियाए सिंध का पानी चढ़ा हुआ था उस तरफ, और लहरें मार रही थी थपेड़े, और बच्चे इंतहाई खुश थे, और सर्दी से हम कांप रहे थे क्योंकि कराची में इतनी ठंड नहीं थी। जो वहाँ हमने ठंड बर्दाश्त किए ना, यकीन करें बहुत मज़ा भी बहुत आया, और हमें अनएक्सपेक्टेड मिला। हम तो गर्म कपड़े लेके भी नहीं गए थे, कराची वाले तो हल्के फुल्के जैकेट्स होते हैं। खैर, हमने वहाँ बहुत इंजॉय किया। हम वहाँ पर कश्ती में भी बैठे और दरियाए सिंध में उन्होंने हमें थोड़ा बहुत वहाँ पर घुमाया फिराया, बहुत इंजॉय किया। अब आप हमारे साथ कोटरी बैराज को इंजॉय करिएगा, और वहाँ के आप सकाफत देखिएगा पूरे हैदराबाद की, बेहतरीन आपको नॉलेज मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हमारा वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू हुआ जामशोरो कोटरी से कराची तक का। तो ये हमारा पूरा सिलसिला है, और ये पूरे पार्ट्स बने हुए हैं, ये ज़रूर देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एंड तक देखिएगा, और खूब इन्जॉय करिएगा, और खुद भी आने की कोशिश करिएगा। तो अब इंशाल्लाह आप चलते हैं, तो व्लॉग्स देखते हैं, आप व्लॉग्स पे इंजॉय करें हमारे साथ साथ। अल्लाह हाफिज़। हम हैदराबाद में आ गए हैं, इधर कैंट की तरफ जाएंगे, वहाँ पे
हैदराबाद टू नाइट। हम हैदराबाद सिटी में दाखिल हो गए और अब हम बॉम्बे बेकरी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से बताया कि यहाँ से अगले ब्रिज आएगा, उधर से मोड़ काट के हमें सदर कैंट की तरफ जाना है। वहाँ पर ये बेकरी है, यहाँ की बहुत मशहूर बेकरी है हैदराबाद की। और यहाँ पूरे हैदराबाद में दूर दूर से लोग आते हैं इस बेकरी से चीज़ें लेने के लिए। तो आज हम भी एक्सप्लोर करेंगे बॉम्बे बेकरी, केक खाएंगे और डिफरेंट चीज़ें भी देखेंगे। कराची से हैदराबाद केक के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ के कॉफ़ी केक बहुत मशहूर है। तो अब हम जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ देखिए कैसा केक होता है वहाँ का। ये हम लोग जा रहे हैं अभी वही बॉम्बे बेकरी के लिए। हमने एड्रेसेस भी पूछे हैं और हमारे पास गूगल मैप भी ऑन है। तो वहाँ सदर में कैंट के पास है और हमें कहा है कि इस वक्त सुबह सुबह जो है आप जा रहे हैं तो मिल जाएगा, उम्मीद है वहाँ पे केक हमें। कंजेस्टेड सा ये एरिया है हैदराबाद में, मेन हम बाज़ार में हैं तो सबसे पहले हम वहीं जा रहे हैं। ये हम आगे हैं द बॉम्बे बेकरी, हैदराबाद की मशहूर बेकरी। एडिटर जूम कर भाई। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग द बॉम्बे बेकरी लिखा हुआ है, ये इनका बोर्ड है और साइड में ही इनकी पूरी बेकरी है। यहाँ से हम गली से अंदर आए और आते ही नज़र हमें आया है बॉम्बे बेकरी। बॉम्बे बेकरी वो पीछे वहाँ लिखा हुआ है दीवार में, ये इनका बॉम्बे बेकरी का इन है। टाइमिंग भी लिखी हुई है मंडे से 8 से 9, ट्यूजडे की सब टाइमिंग सेम ही है 8 से 9। ये आउट है इसका और वहाँ पर इन है, वो सब टाइमिंग भी लिखी हुई है। तो अब हम अंदर जा रहे हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज और भी नज़र आ रही है, चलते हैं अंदर। नहीं है सही, हम यहाँ पर हैदराबाद के बहुत मशहूर बॉम्बे बेकरी में आ गए और इसका कोई बाहर से वो नहीं है कि शॉप है या कुछ है, ये पूरा बंगलों के अंदर बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और अब हम अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें और आइटम। हम तो कहाँ से आ रहे हैं।
मेनू है इनका, मेनू मेनू है इनका, क्या क्या है यार मेनू में? कैमरे से कर लो, इसमें तो आ नहीं आ रहा। पूछो उनसे, इनके फौरन केक आते हैं और खत्म हो जाते हैं, और जो केक आएंगे वो 3 हज़ार। आपकी केक की मशहूरी हमें कराची से खींच लाई है। क्या चीज मिला रहे हैं कि इतनी मशहूरी हो रही है, हमें कराची से आना पड़ा यहाँ पे। मोहब्बत मिलाते हैं थोड़ी सी। हाँ ये तो है, हम भी मोहब्बत में भागे आए। ये कौन सा कॉफी है ये? अच्छा अच्छा, एक पाउंड का है ये? किसको देना पड़ेगा ये? स्लिम सरिया आ गया। अच्छा, फ्रूट केक आप कह रहे हैं शाम में मिलेगा? जी जी, 6 बजे। सुबह नहीं बनाते आपको? सब होता है फोन में सब। तो फिर खत्म बनाओ ऐसा, कितनी जल्दी आपके खत्म? कब ओपन होता है आपका, टाइमिंग क्या है? सुबह 8 बजे। 8 बजे हम सही वक्त पर पहुंचे हैं। कराची से निकल ही गए, मोदर पर पहुंचा। आपका सबसे इसमें रनिंग कौन सा, सभी हैं या कोई खास इसमें स्पेशल? सभी हैं माशाल्लाह। इसमें स्पेशल कौन सा जो मशहूर खास यहाँ? कॉफी होगा आपने। और सबसे पुराना केक कौन सा जो आपके शुरू कब ये? सब पुराने हैं आपके ये सिग्नेचर केक, सब ये सिग्नेचर केक है पुराने। 112 ईयर्स की सेलिब्रेशन ऊपर लिखी है, 1911 से ये। ये भी है, ये भी लो। 4 कौन का होता है, खत्म हो गया। पापा ने क्या कर लिया? कॉफी चॉकलेट। और ये भी ले लो ना, ये भी लेके जाएंगे यहाँ से। ये और प्लेस कर लो ना, मैं तुम्हें जब लाएंगे ये है जाओ तो ये लोग वाला देखो, वो है लेने ये वाले लेने, तुम ले लो, तुम ले लो, देख ले लो, वो बताएगा ना। ये एक बड़ा ले लो, ये वाला। ये और बस। हाँ ये ले लो अभी। अच्छा कौन सा है ये? निकाल रहे हैं, पैक कर रहे हैं फटाफट। ये मैक्रोनी है, बादाम का होता है आलमंड। कितने का है प्राइस? ये 1100। भाई ले लो एक ये। ये पैक कर देंगे। ये कराची चला जाएगा आराम से। ये आप कहीं भी ले आओ, दुबई ले आओ, सऊदी ले आओ। चलो ठीक है, ये कराची जाके खाएंगे। मैं तो समझी थी मतलब इतने कुछ समोसे वगैरह भी होंगे। समोसे वगैरह भी होंगे। समोसा जगह पहुंच जाती है। समोसे नहीं, वो तो कराची समोसे खाने आए थे। आराम दिखाओ पहले। ये हमने केक लिए हैं, तो चॉकलेट और कॉफ़ी केक ले लिया अभी। ये इनका काउंटर है, वहाँ पर काउंटर है, कैश काउंटर, और सामने ये पिकअप लाइन लगी हुई है। इतना रश था कि डिस्प्ले में भी ख़त्म हुआ हुआ है सारा, सब कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। ये इनका मेनू है।
हमने यहाँ से चॉकलेट और केक और कॉफ़ी केक लिया है, और दूसरा हम लोगों ने मैक्रोनी अलमंड केक लिया है, इसमें बादाम भी शामिल है। तो अभी वो हम टेस्ट करेंगे, भाग जा रहे हैं या कराची ले जाएंगे, देखते हैं कैसे। तो फिर हम बॉम्बे बेकरी से बाहर आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर भी कॉफ़ी और चॉकलेट केक लिया है, इनका मशहूर बहुत है। फ्रूट केक भी बहुत मशहूर है, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। तो हमने वो कह रहे हैं शाम को आएगा, शाम तक हम यहाँ पर हैं नहीं, हमें जाना है यहाँ से। तो अभी हमने सिर्फ दो केक लिए हैं, वो भी टेस्ट वगैरह करेंगे। बहुत मशहूर है, हमें पता है कि काफ़ी अच्छा होगा। सौगात है यहाँ की, और अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। शॉप इन अ बंगलो, वाकई भाई। मौसम बड़ा अच्छा है इधर। मैं क्या किससे मना के इधर से बना रही हाँ जी, कैसा लगा हैदराबाद के अंदर आए हम लोग, यहाँ पे शॉप का पहला विजिट हुआ है ना यहाँ पे। बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम इतना अच्छा है, धूप भी नहीं हो रही, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और ठंड बहुत है हैदराबाद में। कराची के मुकाबले में हवा काफ़ी अच्छी चलती है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी हम केक अभी चेक करते हैं, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं अगर हम, और निकलेंगे थोड़ा बहुत घूमेंगे हैदराबाद, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, तो वो चेक करते हैं। ये हैदराबाद का टिम्बर मार्केट है, जहाँ पर फर्नीचर बनाए जाते हैं, और ये मार्केट बहुत ही पुरानी मार्केट है, और यहाँ बहुत लाखों का कारोबार होता है। यह हैदराबाद के मेन जो तिजारती और कारोबारी सड़कें हैं, जहाँ पर ये सब दुकानें मौजूद हैं। ये सारा फर्नीचर मार्केट है, जहाँ पर लकड़ियों का है, जहाँ से परचेस की जाती हैं। बस हम इन जगहों से घूमते घुमाते अपने मंजिल की तरफ रवा दवा है, और इसकी एंजॉय कर रहे हैं सड़कों को और इन जगह को, हैदराबाद की खूबसूरत जो हिस्टोरिकल सारी जगहें हैं इसमें नज़र आती हैं, कल्चर नज़र आता है, सकाफत नज़र आती है, चीज़ें नज़र आती हैं। तो अब हम इधर से घूमते घुमाते देखते हुए जा रहे थे। जो भी यहाँ पर रूरल आके हुकूमत कर देते हैं ना, तो उनके लिए जो बस्ती बसाई जाती थी ना, ये वो एरिया है जो किले के आसपास होती थी ना शॉप्स वगैरह, किले वो चीज़ें हैं ये, तो वैसी गलियाँ हैं। बादशाह लोग अपने किले में रहते थे, और ये बाहर ये वो होता था। ये हम आपको पूरा हैदराबाद को घुमा रहे हैं, गलियाँ मार्केट यहाँ की। VIP सवारी हैदराबाद की। यार इसने तो आए थे यहाँ से, हमने वही डलवा दिया, मुझे तो इंडस्ट्री दे दिया बहुत, फिर से फंस गए। हाँ हम यहाँ पर ये मेन बाजार है हैदराबाद का, और यहाँ बहुत ये होलसेल मार्केट है, और यहाँ बहुत कंजेस्टेड है, जैसे हमारा जूड़िया बाज़ार होता है कराची में, उस साइड में देखो पर बड़ी मुश्किल हो जाएगी गाड़ी। ये हम हाजी रबड़ी वाले के पास जा रहे हैं, लेकिन रोड इतनी ब्लॉक मिली, हमें एक घंटा लग गया पहुँचते पहुँचते।
बहुत कंजस्टेड रोड्स हैं यहाँ पर, मतलब पार्किंग हुई भी है और बहुत पतली पतली गली हैं। तो हम ये हाजी अबड़ी वाले के पास जा रहे हैं। हम आ गए हाजी रबड़ी वाले के पास। है यार ये पानी की टंकी की बात कर लेते। रिकॉर्डिंग लगा दूर से आए पानी ये बताया ऑफिस तो हमने देखा। अच्छा असली वाली यही है आपकी असली जो है, कब से है ये? 1948 से जिनकी ये जिनकी ये लगी कुछ। ये ना बड़ी है इससे बड़ा कौन सा होगा वो दिखाएं। आज ये कर ये पांच बनाते हैं काले यार कराची ले जाएंगे कुछ कम ले लो छोटा ले लो। नहीं नहीं कराची ले घर ले जाएंगे चलो प्राप्त भी हो जाएगी ना ये। और से रबड़ी के अलावा क्या आपके पास हो? मिठाई और रबड़ी। ये क्या है ये सोनल? ये हम आए हैं यहाँ की मशहूर जो हाजी रबड़ी वाले उनकी शॉप पे आए हैं रबड़ी खाने। और यहाँ पर दो हैं देखिए, आप गली से आएंगे तो पानी की टंकी रखी हुई है सामने। जो दो फ्लेवर है सादा रबड़ी 1200 है और ये पिस्ता है ये बाबू यहाँ की रबड़ी बहुत मज़े की थी। हम हाजी रबड़ी वाले के शॉप के अंदर हैं, काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पर, हमने खाया यहाँ पर बैठ के और काफ़ी मज़ा आया। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर, आप लोग देख सकते हैं कि शॉप है, मतलब डेकोरेट वगैरह हुई है, अच्छी लग रही है काफ़ी। और ये हैदराबाद की बहुत मशहूर है ये हाजी रबड़ी वाले, इन्होंने दिल खुश कर दिया भाई, बड़ा मज़ा आया।
अब हम यहाँ पर जा रहे हैं, पेमेंट कर दिए। ये हमें काफ़ी लोग बोले थे किले के पास है, किले के पास है। ये किला अब हमें दिखा है, पुराना किला है जैसे देख सकते हैं आप, ईंटों में बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है, इसकी दीवारें हैं बड़ी बड़ी। यहाँ पर हमने काफ़ी मज़ा किया, हमने केक भी खा लिया, बॉम्बे केक, और हाजी रबड़ी भी हमने ली है यहाँ से। तो केक का रिव्यू तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और बाकी यहाँ सब हम जा रहे हैं मियाँ गुलाम शाह क्लोरो, वहाँ पर उनका जो मकबरा वगैरह है वो देखेंगे, और चलें रिव्यू देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बॉम्बे बेकरी हैदराबाद की मशहूर बेकरी, जहाँ केक्स बहुत अच्छे मिलते हैं। हम वहाँ पर गए थे और हमने परचेस किया, और इसकी यहाँ डब्बे में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि यह कब स्टार्ट हुआ और क्या हुआ कर, बहुत डिफरेंट है। आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमारी जो अर्बन विलेज में हैदराबाद की टूर में, उसमें बॉम्बे बेकरी की पूरी वीडियो है मौजूद, और आप उसमें देखें। मुझे तो ऐसी बेकरी यहाँ कराची में नहीं नज़र आई जैसी वहाँ बेकरी है, और सिर्फ केक और बिस्किट बनाते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। इनकी इतनी वाहवा है कि कुछ नहीं। तो हम भी कराची से गए थे और हमने ये केक लिया, इसमें तीन फ्लेवर्स बहुत मशहूर हैं उनके, एक कॉफ़ी है, दूसरा ये चॉकलेट है, तीसरा ये मैक्रोनी केक आलमंड के साथ है, बादाम के साथ है, फ्रूट केक होता है। तो ये तीनों हम फ्लेवर लेकर आए हैं, और हम अभी इसको देखेंगे कि ये कैसा है। थोड़ा सख्त होता है, तो जरा जोर से करना होता है। ये थोड़ी सी ये कॉफी केक है, तो ये हम टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। मैं करती हूं थोड़ा सा केक करते हैं। निकाल के दिखाएंगे, ये अंदर से इसका लुक है, अब हम दूसरा केक भी निकाल ले रहे हैं टेस्ट के लिए। हम भी देखना चाह रहे हैं कि ये केक का क्या जायका है जो इतनी इसकी धूम मची हुई है, और हैदराबाद में लोग दूर दूर से आते हैं इस केक के लिए, और ये वक्त से पहले ही ख़त्म हो जाता है, लोग ऑर्डर करवा के जाते हैं। अंदर से चॉकलेट केक है, ये चॉकलेट केक है। और ये तीसरा केक है मैक्रोन केक। अब ये देखते हैं ये कैसा केक है। ये जरा नाजुक है, ये उनकी कोई स्पेशल खानदानी रेसिपी है जो वो फॉलो करते हैं, क्योंकि ये हर जगह इस तरह के केक्स इस जायके में शायद नहीं अवेलेबल है, और ये इनकी पूरी हिस्ट्री वहाँ लिखी हुई है। मैक्रोन केक में क्या होता है, एलमंड कड़वे होते हैं, और ये कड़वे बादाम से बनते हैं, और ये खास, और वो किस तरह से इसको केक फॉर्म में लाते हैं और ये इतना डिलीशियस होता है, और ये इनकी हिस्ट्री है। एक बार दोबारा आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इनकी पूरी हिस्ट्री मालूम हो जाएगी,
बहुत ही हैदराबाद जाएं तो ज़रूर ये केक ट्राई करें। अब हम इसको ट्राई करेंगे कि ये कैसा केक है, मज़े का है, क्या है, देखते हैं। ये पहले कॉफी, जब आप मुंह में बाइट ले रहे हैं ना तो आपको लग रहा है जैसे आप कॉफी की बड़ी अच्छे फ्लेवर आ रहा है इसमें, बहुत बेहतरीन, बहुत मजे का है। और ये अब चॉकलेट, फ्लेवर बहुत स्ट्रांग है, चॉकलेट बहुत अच्छा है, मिठास बड़ी अच्छी ढली हुई है। और ये अब हम बादाम के जो केक है मैक्रोनी, इन दोनों से ज्यादा यूनिक है, ये अलग है, ये बिल्कुल डिफरेंट बना हुआ है। और ये हम खा के देखते हैं, जैसे इन दोनों मिठास होगी दोनों से अलग होगा, मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों से डिफरेंट है, मिठास बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे जैसे शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई इसमें शुगर ऐड है लेकिन बहुत अच्छा है। तीनों केक के बिल्कुल आप खाएंगे तो डिफरेंट, हर केक अपना डिफरेंट फ्लेवर दे रहा है। और ये तो आलमंड केक तो बहुत ही लाजवाब है, बेहतरीन। और कॉफ़ी, अगर मैं दोबारा जाऊँ तो ये केक ज़्यादा खाऊँ और कॉफ़ी का ज़रूर लूँ। चॉकलेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन ये कॉफ़ी और आलमंड केक तो बेहतरीन है। तो हमारी तरफ से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को एंड तक देखें और हैदराबाद ज़रूर जाएं ये खाने के लिए। तो अल्लाह हाफिज़, हमारे व्लॉग को देखिए, हैदराबाद के व्लॉग को, उसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अल्लाह हाफिज़।